एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साहित्य ज्योति। आज के इस वीडियो में हम लोग शिवानी जी द्वारा रचित अपराजिता कहानी के सारांश एवं प्रश्न उत्तर दोनों को ही करेंगे। तो पाठ को शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि यह वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी हो, इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो ऐसे लोग जो कि विपरीत परिस्थितियों में पड़कर अपना सब कुछ हार जाते हैं, बिल्कुल ही निराश हो जाते हैं, और दूसरे तरह के लोग ऐसे होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं। इस कहानी में हमें एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में पता चलता है जो अपने जीवन में तमाम संघर्षों से जूझते हुए आगे निकलते हैं। आइए देखते हैं। तो अपराजिता, अपराजिता का अर्थ होता है जो कभी हार ना माने, और यह अपराजिता नामक कहानी जो है वो डॉक्टर शिवानी जी द्वारा लिखी हुई है, जिसमें डॉक्टर चंद्रा के जीवन संघर्ष के बारे में हमें पता चलता है। डॉक्टर चंद्रा जो रहती हैं, वो जन्म के 18वें महीने में ही उन्हें पोलियो हो जाता है, जिससे वे लकवाग्रस्त हो जाती हैं, और गर्दन के नीचे का जो पूरा हिस्सा रहता है वो मानो एकदम ही निर्जीव हो जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का प्राण नहीं रहता है, हरकत नहीं होती है, और यहीं से उनके जो संघर्षों का दौर होता है वो शुरू होता है। सर्वप्रथम जो उनकी माँ रहती है, उनके इलाज के लिए दर दर उन्हें भटकना पड़ता है, कोई भी फायदा नहीं होता है। आखिर में एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के उपचार से डॉक्टर चंद्रा के शरीर में, विशेषकर हाथों में, थोड़ी हरकत आ जाती है, थोड़ी जान आ जाती है, जिससे कि वे अपना कार्य कर पाती हैं। और इसके बाद फिर समस्या शुरू होती है स्कूल में दाखिले को लेकर। इसके लिए भी डॉक्टर चंद्रा को स्कूल मैनेजमेंट के सामने, डॉक्टर चंद्रा की जो माँ रहती हैं उनको स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल प्रबंधन के सामने मिन्नतें करनी पड़ती है, विद्यालय में किसी तरह दाखिला मिल जाता है, और दाखिला के बाद माँ को जो है वो व्हील चेयर पर बैठा कर डॉक्टर चंद्रा को एक कक्षा से दूसरी कक्षा, दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा ले जाना पड़ता है, कक्षाओं के चक्कर लगाने पड़ते हैं। डॉक्टर चंद्रा जो रहती हैं वो अपने कठोर परिश्रम से अपनी अपंगता के सामने जो चुनौतियाँ थी उसे स्वीकार करती हैं, और संघर्ष करते हुए MSc की डिग्री प्राप्त कर लेती हैं, वो भी प्रथम श्रेणी से, फर्स्ट क्लास से MSc की डिग्री प्राप्त करती हैं प्राणी शास्त्र में। अगर हम डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी खासियत तो यही थी कि अपनी शारीरिक असक्षमता के बावजूद भी, शारीरिक रूप से अपंग होने के बावजूद भी, वो पढ़ाई में तो अव्वल थी ही, पढ़ाई के साथ साथ भाषा, संगीत, कढ़ाई बुनाई, साहित्य में भी उनकी गहरी रुचि थी, उस क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था। डॉक्टर चंद्रा की इच्छा थी कि वो शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में अपना करियर बनाएं, लेकिन शारीरिक रूप से अपंग होने के कारण उन्हें मेडिकल में प्रवेश नहीं मिलता है, लेकिन वे इससे निराश होकर टूटने के बजाय, हारने के बजाय, फिर से दुगनी ऊर्जा और साहस के साथ माइक्रोबायोलॉजी में शोध कार्य शुरू कर देती हैं, रिसर्च वर्क शुरू कर देती हैं, और वहाँ उन्हें अपने रिसर्च के लिए डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है। वे पहली अपंग महिला बन जाती हैं जिन्हें माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। अगर हम डॉक्टर चंद्रा के जीवन की बात करें, उनकी सफलताओं की बात करें, तो उनकी सफलताओं के पीछे जो सबसे बड़ा योगदान था उनकी माता शारदा सुब्रमण्यम, क्योंकि बचपन से लेकर आज वो जहाँ तक भी हैं उसमें उन्होंने सबसे अधिक योगदान दिया। अपनी पुत्री के जीवन के लिए, भविष्य के लिए उन्होंने अपनी समस्त खुशियों, समस्त सपनों की बलि चढ़ा दी, और जीवन की तमाम बाधाओं से जूझ कर भी लक्ष्य को प्राप्त किया, और अपनी बेटी को जीवन लक्ष्य प्राप्त कराने के लिए प्रेरित करती। अपने समस्त संघर्षों से जीत कर ही वो जो हैं डॉक्टर चंद्रा, वो अपराजिता बन पाई। तो यहाँ पर बताया गया है कि जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। इसी संदर्भ में एक लखनऊ के लड़के का भी वर्णन किया गया है जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और हार मान जाता है, लेकिन वही डॉक्टर चंद्रा है जो अपने शारीरिक रूप से असक्षम होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारती है। तो हमें भी सदैव इसी तरह का प्रयास करना चाहिए, अपनी विपरीत परिस्थितियों से हार नहीं मानना। अब आइए हम लोग इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि डॉक्टर चंद्रा का शरीर जन्म के कितने दिनों में पोलियोग्रस्त हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, और यहाँ पर देखिए चार विकल्प दिए गए हैं। आठवें दिन तो बिल्कुल भी नहीं था,
के बाद 18वें दिन बाद भी नहीं 18वें वर्ष नहीं इसका तो जो सही उत्तर है वो है 18वें महीने। डॉक्टर चंद्रा का शरीर जन्म के 18वें महीने के बाद पोलियोग्रस्त हो जाता है, उसमें लकवा हो जाता है। ठीक है, ये दूसरे प्रश्न को देखते हैं। किस वर्ष डॉक्टर चंद्रा को डॉक्टरेट की उपाधि मिली? यहाँ पर चार सन दिए गए हैं, पहला सन 1978, दूसरा 1986, तीसरा 1976 और चौथा 1966। का सही उत्तर है ग नंबर, सन 1976। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हो सकता है ऑप्शन में अलग हो, ठीक है, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो है 1976। इसके बाद आगे का प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर चंद्रा ने, तीन नंबर, डॉक्टर चंद्रा ने किस विषय में MSc पास किया? चार विकल्प, रसायन शास्त्र नहीं, वनस्पति शास्त्र ये भी नहीं, और घ नंबर, भौतिक शास्त्र ये भी नहीं। का जो सही उत्तर है वो है ख, प्राणी शास्त्र। प्राणी शास्त्र में उन्होंने MSc पास किया था। आइए चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं कि डॉक्टर चंद्रा ने कितने वर्षों में शोध कार्य पूरा किया? 7, 4, 5 और 3। इसका जो सही उत्तर है वो है ग नंबर, 5 वर्षों में। डॉक्टर चंद्रा ने 5 वर्षों में शोध कार्य पूरा किया। पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर चंद्रा ने स्नातकोत्तर किस श्रेणी में प्राप्त किया? ठीक है, स्नातक कहते हैं हम ग्रेजुएशन को, और स्नातकोत्तर उससे ऊपर की पढ़ाई को, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी चार विकल्प हैं, आप देख सकते हैं, द्वितीय, प्रथम और पास ही नहीं की। तो पास ही नहीं की, ये तो ऑप्शन सबसे पहले ही गलत हो जा रहा है, और क्योंकि वो पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी तो तृतीय श्रेणी से भी नहीं, द्वितीय श्रेणी से भी नहीं, बल्कि प्रथम श्रेणी से उन्होंने पास किया। आइए अब हम इस पाठ के लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। लेखिका किस, पहला प्रश्न है कि लेखिका किसके जीवन से प्रभावित हुई थी? जाहिर सी है, इस पाठ में डॉक्टर चंद्रा के बारे में बताया गया, उनके जीवन के बारे में बताया गया है, इसीलिए लेखिका डॉक्टर चंद्रा के जीवन से प्रभावित हुई। दूसरा प्रश्न, डॉक्टर चंद्रा कब पोलियोग्रस्त हुई? उत्तर, डॉक्टर चंद्रा जन्म के 18वें महीने में ही पोलियोग्रस्त हो गए। तीसरा प्रश्न, तीन नंबर, डॉक्टर चंद्रा की माँ का क्या नाम था? उत्तर है, डॉक्टर चंद्रा की माँ का नाम शारदा सुब्रमण्यम, ठीक है, शारदा सुब्रमण्यम था। चौथे प्रश्न की बात करें तो विज्ञान के अतिरिक्त डॉक्टर चंद्रा किन किन कार्यों में जो थी वो दक्ष थी? यहाँ पे किन किन कार्यों में माफ कीजिएगा, ये ठीक से हुआ नहीं है, दक्ष थी। तो इसका सही उत्तर देखिए, डॉक्टर चंद्रा जो है वो विज्ञान के अतिरिक्त कविता लेखन, कढ़ाई बुनाई, जर्मन भाषा और संगीत में काफ़ी दक्ष थी। दक्ष होने का मतलब उन्हें ये चीज़ें बहुत अच्छे से आती थी। इसके बाद का प्रश्न, डॉक्टर मैरी वर्गीस कौन थी? तो देखिए, डॉक्टर मैरी वर्गीस एक सफल शल्य चिकित्सक थी, जिन्होंने अपंग होने के बावजूद अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के नए कीर्तिमान, ये नई ऊंचाई जो है वो स्थापित की थी, और इनसे डॉक्टर चंद्रा काफ़ी प्रभावित थी। मैरी वर्गीस के जीवन से डॉक्टर चंद्रा काफ़ी प्रभावित थी, क्योंकि डॉक्टर मैरी वर्गीस भी जो थी वो अपंग थी, लेकिन अपनी अपंगता के बावजूद भी उन्होंने सफलता प्राप्त की थी, और डॉक्टर चंद्रा भी इस बात से काफ़ी प्रभावित थी कि जब डॉक्टर मैरी वर्गीस कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी करके दिखाऊंगी। पांचवा नंबर प्रश्न, डॉक्टर चंद्रा ने अपनी माँ का चित्र कहाँ लगा रखा था? उत्तर देखिए, डॉक्टर चंद्रा ने अपनी माँ का चित्र एल्बम के सबसे अंतिम पृष्ठ पर लगा रखा। आइए अब हम बोधमूलक प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न, लेखिका का परिचय डॉक्टर चंद्रा से कब और कहाँ हुआ? उत्तर देखिए, लेखिका जब डॉक्टर चंद्रा के कोठी के पास बंगले में रहने आई, तभी उन्होंने डॉक्टर चंद्रा को पहली बार अपने कार से उतरकर व्हीलचेयर पर बैठते देखा। लेखिका अब प्रतिदिन जो है वो डॉक्टर चंद्रा को इसी प्रकार कार से उतरकर व्हीलचेयर पर बैठकर जाते हुए देखा करती थी। धीरे धीरे दोनों में वहीं परिचय हुआ। दूसरे प्रश्न को देखिए, डॉक्टर चंद्रा को मेडिकल में प्रवेश क्यों नहीं मिला? देखिए, डॉक्टर चंद्रा का निचला धड़ जो था वो पूरी तरीके से शून्य था, शून्य था यानी पूरी तरीके से निर्जीव था,
इसके बावजूद भी उसमें किसी भी प्रकार का प्राण नहीं था, किसी भी प्रकार की हरकत नहीं थी, इसके बावजूद उन्होंने सभी परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। लेकिन मेडिकल में दाखिले को यह कहकर नकार दिया गया, मना कर दिया गया कि उनके शरीर का निचला हिस्सा जो है वो निर्जीव है, अतः वो मेडिकल के क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकेंगे। इसी कारण उन्हें मेडिकल में प्रवेश प्राप्त नहीं हुआ। तीसरे प्रश्न को अगर हम देखें, डॉक्टर चंद्रा की माँ को, डॉक्टर जो चंद्रा थी, डॉक्टर चंद्रा की माँ को चंद्रा की शिक्षा प्राप्ति में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो देखिए, चंद्रा की अपंगता के कारण उनकी पढ़ाई के लिए जो उनकी माँ थी उन्हें बहुत ही कष्ट सहने पड़े थे। आरंभ में स्कूल में प्रवेश को लेकर, आरंभ में तो स्कूल वालों ने प्रवेश देने से ही मना कर दिया था। इसी तरह वो जो है वो कॉन्वेंट के दरवाजे, जो कॉन्वेंट स्कूल रहता है उसके दरवाजे पर धरना देने बैठ गई थी। फिर किसी तरह स्कूल में एडमिशन मिला उन्हें, और जब प्रत्येक कक्षा में वो प्रथम ही आती थी, प्रथम स्थान प्राप्त करने के बावजूद भी उन्हें मेडिकल में दाखिला नहीं मिला। तो इतने लंबे अरसे में भी उनकी जो माँ थी उन्होंने डॉक्टर चंद्रा को कभी भी अकेले नहीं छोड़ा था। चौथा प्रश्न देखिए, वीर जननी का पुरस्कार किसे और क्यों दिया गया? उत्तर देखिए, वीर जननी का पुरस्कार जो है वो डॉक्टर चंद्रा की माता शारदा सुब्रमण्यम को दिया था। डॉक्टर चंद्रा के लिए उनकी माँ के भीतर जो अगाध स्नेह और लगाव था, ठीक है, डॉक्टर चंद्रा के लिए उनके माँ के भीतर बहुत ही स्नेह और लगाव था, इसके कारण उन्होंने अपनी अपंग बेटी की सफलता के लिए दिन रात एक कर दिए थे। कभी भी बेटी की अपंगता को बोझ नहीं समझा, और इसी कारण डॉक्टर चंद्रा की माँ को जो है वो विशिष्ट और वीर जननी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। आगे के प्रश्न को देखते हैं, डॉक्टर चंद्रा के विषय में उनके प्रोफेसर का क्या विचार था? ठीक है, उनके प्रोफेसर उनके बारे में क्या सोचते थे? तो देखिए, डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के अनुसार डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उनके प्रोफेसर के विचार से डॉक्टर चंद्रा जो थी वो बहुत ही परिश्रमी और लगन की पक्की थी। उन्होंने अपने मेहनत के बल, अपनी अपंगता के बावजूद विज्ञान को आगे ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। आगे का प्रश्न देखिए, लेखिका अपनी यह रचना किसे और क्यों पढ़ाने के लिए कहती है? लेखिका जो शिवानी है वो अपनी रचना को किसी को पढ़ाना चाहती हैं, क्यों? देखिए, लखनऊ, यह जो रचना है वो लखनऊ के एक मेधावी युवक को पढ़ाना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि वह जो लड़का था वो आईएएस की परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद गया था, और वहाँ पर ट्रेन में दुर्घटनाग्रस्त में उसकी दुर्घटना होती है, और वहाँ उसकी एक हाथ गंवा देनी पड़ती। इस दुर्घटनाग्रस्त स्थिति से बहुत ज़्यादा वो निराश हो जाता है और नशे की गोलियों की लत पड़ जाती है। जबकि इसी के विपरीत डॉक्टर चंद्रा इससे भी ज़्यादा भीषण परिस्थिति में है, और अपनी अपंगता के बावजूद भी अपने सपने को पूरा करते हैं। शायद वो लड़का इस अध्याय को पढ़े और अपनी वर्तमान स्थिति से उबरने के लिए प्रेरित हो, और इसीलिए शिवानी है, लेखिका, हमारी लेखिका शिवानी है, वो अपनी इस रचना को लखनऊ के उस लड़के को पढ़ाना चाहती है। ठीक है, और अब सातवां नंबर प्रश्न कि डॉक्टर चंद्रा का संक्षिप्त चरित्र चित्रण। डॉक्टर चंद्रा जो थी वो शारीरिक रूप से असक्षम थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके चरित्र में बहुत सारे विशिष्ट गुण विद्यमान, और उसी के दम पर उन्होंने सफलता की ऊंचाई हासिल की। आइए हम उन बिंदुओं को देखते हैं। सबसे पहले तो ये, डॉक्टर चंद्रा में बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति थी, वो इच्छा शक्ति की धनी थी, जो चीज़ ठान लेती थी वो करके दिखाती थी, और इसी कारण उन्होंने अपने मुकाम को हासिल किया। और दूसरा, उनका व्यक्तित्व जो था वो साहस से परिपूर्ण था, किसी चीज़ से घबराती नहीं थी। चौथा प्रश्न देखिए, चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया, उक्त गद्यांश का आशय स्पष्ट। उत्तर देखिए, डॉक्टर चंद्रा जो थी वो एक मेधावी छात्रा थी जो मेडिकल साइंस में अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन अपंगता के कारण उन्हें मेडिकल में प्रवेश नहीं मिलता है। लेकिन वो उससे हार नहीं मानती हैं, बल्कि माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन शुरू करती हैं, और इसी विषय में वो PhD हासिल करती हैं, और विज्ञान के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान देती हैं। इसी से कहा गया है कि जिस क्षेत्र में उन्हें प्रवेश नहीं मिला, विज्ञान चिकित्सा ने जो उन्हें खो दिया, वही उनकी प्रतिभा से ही जो है वो विज्ञान लाभ हुआ। लेकिन वही लाभ जो है वो विज्ञान को हमें
देखने को मिलता है। देखिए कुछ बच्चों के ना कई बार कॉमेंट्स आते हैं कि मैम आंसर जो है वो बहुत बड़े बड़े हैं, पर बच्चों बात आंसर्स बड़े होने की नहीं है, बात है पहला तो ये कि ये एक बोधमूलक प्रश्न है तो आपको अच्छे से लिखना होगा, दूसरा ये कि टू द पॉइंट लिखने में जो सही आंसर बनेगा उतना लाइन तो हमें लिखनी ही पड़ेगी, उतनी पंक्ति तो हमें लिखनी ही पड़ेगी। अगर आप इससे भी छोटा करना चाहेंगे थोड़ा सा उत्तर आपको बहुत ज़्यादा ही मतलब सही ढंग से आप उत्तर दे नहीं पाएंगे, इसे बड़ा ना समझकर थोड़ा सा सही ढंग से लिखने का प्रयास। आइए भाषा बोध करते हैं। भाषा बोध में सबसे पहले हम लोग तत्सम शब्द को जानेंगे कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो देखिए तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, अर्थात ज्यों का त्यों। जिन शब्दों को संस्कृत में संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ले लिया जाता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं, जो ध्वनि परिवर्तन नहीं होता। जबकि अगर हम वहीं तद्भव की बात करें तो तद्भव में जो होता है वो संस्कृत से उत्पन्न तो होते हैं, देखिए समय और परिस्थितियों के कारण क्या होता है उनमें थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, उसे ही तद्भव कहते हैं। ठीक, ये शब्द भी संस्कृत से ही बने होते हैं परंतु इसमें थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। आइए अब हम पाठ से हमें क्या करना है, पाठ से पांच तत्सम शब्द और पांच तद्भव शब्द चुनकर लिखने हैं। तो देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है आवागमन एक तत्सम शब्द है और उसी का तद्भव आना जाना, सर्वांग सब अंग, अवरुद्ध अवरुद्ध रुकावट, जीजी विषय यानी जीने की इच्छा और विशिष्ट यानी विशेष। देखिए यहाँ पर आपको समझना है कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है। तत्सम वो जो संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिया जाए, जैसे आवागमन हो गया या सर्वांग हो गया, और तद्भव वे शब्द जो होते तो संस्कृत के ही शब्द हैं परंतु हिंदी में थोड़ा सा परिवर्तन करके अपना लिए जाते हैं। जैसे कि आवागमन, आवागमन का मतलब भी होता है आना जाना, तो हम आना जाना भी लिख सकते हैं, इसे हम कहेंगे कि ये तद्भव के शब्द हैं। अब देखिए इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग अलग करने हैं। अगर हम दूसरे वाले की बात करें तो यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उसके उपसर्ग अलग करने हैं, तो आप पहले हेडिंग डाल लीजिए उपसर्ग और फिर शब्द। ठीक है, तो पहला शब्द है अमानवीय। अमानवीय का क्या कर सकते हैं, अमानवीय, इसमें अ उपसर्ग अलग कर दिया, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है आपको पता ही होगा। इसके बाद आपका है ठीक प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध यहाँ लिखा नहीं है मैं नीचे कर दूंगी। उसके बाद उल्लास है, उल्लास में आप कर सकते हैं उत और लास्ट उल्लास हो जाएगा। विज्ञान में वी उपसर्ग, फिर ज्ञान शब्द है, प्रगति में प्र उपसर्ग, गति शब्द है, अवरुद्ध में अव शब्द और रुद्ध आपका हमारा मूल शब्द है। इसके बाद एक शब्द जो छूट गया हमारा वो था प्रसिद्ध, ने यहाँ नहीं लिखा है प्रसिद्ध शब्द, प्रसिद्ध का प्र और आप कह सकते हैं एक मिनट सिद्ध। ठीक, आइए अब उसके बाद क्या करना है, तीसरे नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, विलोम यानी उल्टा। तो पिछली पिछली का आप जानते ही हैं बहुत आसान है, अगली अगली पिछली है ना, निर्जीव निर्जीव का सजीव, ठीक उजले उजले का काले, साहसी 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 का डरपोक, ठीक है डरपोक, अभिश्राप का आपका वरदान होगा वरदान, केवल इच्छा का अनिच्छा, सर्वोच्च का सर्वोनिम्न, सर्वोच्च का मतलब होता है सबसे ऊंचा, तो सबसे ऊंचा यानी सर्वोच्च, और सर्वनिम्न, सर्वनिम्न मतलब सबसे छोटा या सबसे नीचे। ठीक, आइए अब इसके बाद देखिए संख्या और दूसरे विकारी शब्दों की संख्या या गिनती को का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। आप जानते ही हैं वचन, एक वचन बहुवचन, जिससे एक किसी वस्तु के एक संख्या का ज्ञान हो उसे हम एक वचन कहते हैं, जब एक से ज्यादा हो तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है,
निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन करने हैं, यानी जो एक वचन में उसे बहुवचन और जो बहुवचन में उसे एक वचन में बदलना है। तो सबसे पहले कोठी है, तो कोठी एक वचन है, तो इसको हम लोग बहुवचन में कर देंगे कोठियां। वैसाखियों, ये बहुवचन में है तो इसको हमको एक वचन में बदलना होगा, वैसाखी। वस्त्र एक वचन, बहुवचन क्या होगा? वस्त्रों। पंक्तियों बहुवचन है, एक वचन क्या होगा? पंक्ति। महत्वाकांक्षाएं बहुवचन है तो क्या होगा? महत्व, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, ठीक है। इसके बाद टांगो, टांगो में आप कर सकते हैं क्या? टांग, स्त्री, स्त्री का आप कर सकते हैं स्त्रियों, बहुवचन। पुरुष का पुरुषों, बहुवचन पुरुषों। लड़की का लड़कियों, एक लड़की एक वचन है, लड़कियों बहुवचन है। कठिन, कठिन का कठिनाइयों, कठिनाइयों। और उसके बाद एक शब्द है आपका वर्ष, वर्ष का क्या होगा? वर्षों, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो यह अपराजिता पाठ है वो समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने इस पाठ के सारांश, प्रश्न उत्तर सब कुछ देखा है। आशा है कि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी और इससे आपको आपकी पढ़ाई में अवश्य ही मदद मिलेगा। ठीक है, साथ धन्यवाद।